सब्जी जैसे कि अलग जो होटल बिल कर क्या ढूंढे थे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ सूरत रेलवे स्टेशन। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सूरत रेलवे स्टेशन क्या कर रही हूँ, तो वलसाड़ में रहती हूँ। मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह घूमने जिसका मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी, एंड द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल जो लोग मतलब जाना चाहते हैं। मैं आज वहां जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं बनारस फोर्थ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। और अभी देव दिवाली भी आने वाली है, तो हम देव दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली वलसाड़ से कोई ट्रेन नहीं थी, वलसाड़ बेचारा गरीब है, वलसाड़ में खाली एक ही ट्रेन है बनारस की चलती है, पूरी फुल हो चुकी थी। इसके लिए हमने सूरत से ट्रेन पकड़ी है, तो वलसाड़ से पहले मैं आई सूरत। अभी सूरत से हमारी ट्रेन है, तो अभी बस हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सूरत से ट्रेन चलती है तो अभी बस चलेगी। अभी हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं और वेटिंग रूम में वेट करते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे, और आप देख सकते हो कि पीछे वंदे भारत आई हुई है। तो देख के शॉक हो गए, मतलब कि वलसाड़ में कैसे आ गए, फिर रियलाइज हुआ कि मैं वलसाड़ नहीं सूरत रेलवे स्टेशन पे, उसके लिए वंदे भारत आई हुई है। तो अभी हमारी ट्रेन आके खड़ी हो चुकी है, तो हम लोग आ गए थे ट्रेन में। अभी जस्ट मैं अभी अंदर ट्रेन की गई, ट्रेन मतलब एकदम डिसअपॉइंटेड ट्रेन है, क्योंकि जो कोच है सेकंड एसी का वो इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा कंजेस्टेड लग रहा है, इतना यहाँ पे पकड़ने का भी एकदम अजीब है, किसी को दिखे भी नहीं। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो हर एक जगह मिरर होता है, बट यहाँ पे ना मिरर है ना वॉक बेसिन है। तो अभी बस ट्रेन भी चल चुकी है, इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना, क्योंकि कल पूरी रात में सोई नहीं थी। तो अभी खाना खा के सो जाऊंगी और फिर सोती रहूंगी लॉन्ग रूट जर्नी। तो ये है हमारा घर का टेस्टी टेस्टी खाना, मेथी के पराठे, ये है सब्जी मटर की राइस बासमती राइस, और इसके अंदर एक और सब्जी है बैंगन की, मम्मी ने बनाई मम्मी के लिए। इसके अंदर एक और सब्जी है मेरे लिए, और इसके अंदर अचार और वो सब है, तुम खा लेते हैं फटाफट। सभी रात के खाने का टाइम हो गया है, हम लोग घर से सब्जी बना के लेके आए थे। मैं लेके आई थी गाजर आलू की सब्जी, थी मैं राइस के साथ खा रही हूँ। मम्मी खाना खा के बैठ चुकी है, अभी जस्ट मैं खा रही हूँ ये। अभी जस्ट मैं सो के उठी, मतलब मैं मिर्जापुर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, कि मिर्जापुर पे सीरीज बनी हुई है, उसका जो रूट है उस रूट पे मिर्जापुर आता है, तो जस्ट मिर्जापुर आया है, बस ट्रेन चढ़ने वाली है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस, मतलब वेट नहीं हो रहा था, मतलब 4 महीने का इंतजार आखिर खत्म हो गया कि हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी। और मेरे को लगा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होगी, बट कुछ खास ठंडी है नहीं। ट्रेन में एसी चालू था तो मेरे को जैकेट पहनने की जरूरत पड़ी थी, अभी तो मैंने जैकेट भी उतार दी, तो गर्मी लग रही है, शायद सुबह शाम की ठंडी होगी। इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अभी दर्शन करने जाएंगे हम लोग फोर्थ ज्योतिर्लिंग के। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लाइक वाराणसी आना है तो आप कैसे आ सकते हो, आपको ट्रेन से आना रहेगा। जैसे कि हमारे वलसाड़ से हम ट्रेन से आए, जो ट्रेन जो चलती है बनारस तक, आप काशी भी उतर सकते हो, वाराणसी भी उतर सकते हो, क्योंकि काशी 5 किलोमीटर दूर है बनारस से, तो आप दोनों से आपको मंदिर पास में पड़ेगा, आपको जहाँ की टिकट्स मिल जाए आप वहां पे ले सकते हो। और अगर आपको फ्लाइट से आना है तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो, क्योंकि फ्लाइट का ऑप्शन भी रहेगा बनारस तक आने के लिए। और अगर आप कहीं से भी नियर बाय से आ रहे हो, जैसे कि इलाहाबाद हो गया या फिर कोई भी नियर बाय, तो आप डेफिनेटली बस से भी आ सकते हो, और बाय रोड तो आप आ ही सकते हो। तो ये 3 वेज है, 3 या 4 वेज है जिससे आप आ सकते हो। तो अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं जैसे कि मैंने बोला, तो अभी हम चलते हैं हमारे होटल और फिर हम चलते हैं बनारस घूमने के लिए। तो अभी हम लोग ने स्टेशन से बाहर निकल के लिया है ऑटो, हमारा जो होटल है वो कुछ स्टेशन से आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर है, तो हमको वो लोग 300 रुपीज बोल रहे थे। तो आप जब भी कोई न्यू सिटी में आते हैं तो आप पहले मतलब जो होटल आपने बुक किया है उनसे एक बार प्राइस पूछ लीजिए कि कितना प्राइस होता है। तो उन्होंने हमको बताया कि 150 से 200 होता है, तो हमें एक अंकल मिल गए जो हमें 150 में लेके जा रहे हैं। चलो चलते हैं होटल विश्वनाथ, ज्योतिर्लिंग का जो नाम है वो काशी विश्वनाथ है, तो हमने होटल भी विश्वनाथ के नाम से बुक किया है। तो आपको चल के बताते हैं कि कैसा होटल है, ताकि आप भी अगर आओ तो आप डेफिनेटली स्टे कर सकते हो, बिकॉज बजट वाइज बहुत सही है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं होटल। तो ये है हमारा होटल, होटल विश्वनाथ, तो यहाँ से हमें एंट्री करना है, तो चलते हैं। तो हमने जहाँ होटल बुक किया जिसका नाम है होटल विश्वनाथ, तो यहाँ पे से जाने के 2 रास्ते है, एक लिफ्ट से जा सकते हैं और एक बेसमेंट से है। तो अभी हमने लिफ्ट बुला ली और फिर चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर, हमें यहाँ पर कैसा लग रहा है आके? बहुत
बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। हमने जो होटल लिया है वो होटल सोनारपुरा रोड पे, और ये है वो ब्यूटीफुल होटल। तो चलते हैं और इस होटल का अपन टूर करते हैं। और ये होटल में अभी रेस्टोरेंट बन रहा है इनका, तो और जो ये रेस्टोरेंट बन रहा है उसका नाम है काशी अनम। ये 15 से 20 दिन में बन जाएगा, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये देखते हैं, ये है रेस्टोरेंट जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बस कुछ टाइम में ये बन जाएगा, ये बड़ी स्क्रीन। तो अभी मैं चल के आपको मेरे होटल का टूर करा देती हूँ। हमारे होटल का नाम है विश्वनाथ। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। आप लोग ये मत समझना कि मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली है, इसके लिए मैं बार बार बता रही हूँ। तो ये है एंट्रेंस मेन होटल विश्वनाथ का, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और चलते हैं अभी हमारा रूम देखते हैं। और यहाँ पे सब टाइप्स के रूम है, इधर एक सामने रूम है, यहाँ पर है। और हमने अभी चाय ऑर्डर की थी हमारे रूम के लिए, तो चाय भी आ चुकी है। तो चलो चलते हैं हमारे रूम के अंदर, आपको दिखाती हूँ कि कैसा रूम है और इसकी प्राइस रिवील करती हूँ। तो ये रहा हमारा रूम, इधर आगे सोफ़ा है, और यहाँ पे हमारा सामान आ चुका है, और इधर है फ्रिज, और ये है यहाँ का बेड। तो जो भी बेसिक नीड्स चाहिए वो सब कुछ है। और यहाँ पे है कबर्ड, और हमें आपको चल के वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। वॉशरूम भी बहुत क्लीन है। और ये रहा वॉशरूम। तो अभी ये लोग ने चाय बनाई है, तो चीयर्स कर रहे हो, दारू थोड़ी है तो चीयर्स कर रहे हो। मम्मी के साथ तो आप चाय ही चीयर्स करने का नसीब है आपका। कैसी है चाय? अच्छी है चाय। तो बनारस आके कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अभी एक्चुअली मेरी मम्मी को खिड़की वाला रूम चाहिए था, बट इसमें विंडो नहीं है, तो इस होटल वाले ने कहा है कि कल खाली हो जाएगा तो दे देंगे, तब मेरी मम्मी सेटिस्फाइड होगी। तो अभी हम लोग होटल पे आके फ्रेशन अप हो गए कुछ एक दो घंटे में, और अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार, जा रहे हैं दर्शन करने काशी विश्वनाथ मंदिर, और चलते और करते हैं भोले बाबा का दर्शन। तो हम लोग कब से रिक्शा ढूंढ रहे थे, बट हमें कोई रिक्शा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जाम लग गया था। तो या तो आप पैदल जा सकते हो, या तो ये हाथ वाला, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब हाथ वाला नहीं, पैर वाले रिक्शे में। तो हमने पहले एक नॉर्मल रिक्शा किया था, वो बेचारे ने हमें बहुत कोशिश करी छोटी छोटी गलियों में से कि वो हमें मंदिर तक पहुँचा दे। वैसे भी मंदिर जाने के लिए हमें 500 मीटर जितना चल के ही जाना पड़ता है, बट उसने जहाँ हमें छोड़ा वहाँ से हमें 2 किलोमीटर चलना था, लेकिन ये पैर वाला रिक्शा चालू था, तो हमने बस ये पैर वाला रिक्शा लिया है। फिर उसके बाद भी हमें 500 मीटर चलना रहेगा, तो वो 500 मीटर चलने के बाद हम पहुँचते और करते हैं मंदिर के दर्शन। तो वो पैर वाले रिक्शे ने भी हमें 400 मीटर पहले उतार दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि अंदर रिक्शा भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे गेट है, तो जो एक नंबर का गेट है वो यहाँ से कुछ 200 मीटर दूर है, तो हम बस वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और भीड़ है इधर। तो मंदिर में जाते जाते मम्मी पापा को भूख लग गई है, तो हम लोग ने लिया है अमरूद, ये 30 रुपीज़ का है, और यहाँ का बहुत मस्त अमरूद है एकदम बड़ा बड़ा, तो खाते हैं यही, पता नहीं ये 5। और आज स्पेशल खाना देखो, ये रही है